केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा है। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, देश भर में जगह जगह किसानों का विरोध जारी है। कांग्रेस पार्टी किसानों के इसी गुस्से को भुनाने में लगी है। प्रदेश में 2 गुटों में बटी कांग्रेस को किसान आंदोलन के जरिए एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। शनिवार को प्रदेश में किसानों के विरोध के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन की सबसे प्रमुख तस्वीर रही जब सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक हेलीकॉप्टर में बैठे दिखाई दिए। दरअसल ये तस्वीर राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय क्यों बनी, इसकी भी वजह है। बीते साल ही अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले पायलट ने बगावत कर दी और अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमा लिया था। सचिन पायलट का दिल्ली में डेरा कांग्रेस को इसलिए भी खल रहा था क्योंकि पायलट की बगावत से चंद दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर चेहरों में गिने जाने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी का सबसे खास माना जाता था, कुछ ऐसा ही सचिन पायलट के साथ भी था। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने अपनी कमर कसी और पायलट को मनाने में जुट गई और इसकी कमान संभाली प्रियंका गांधी ने। अब करीब साल भर बाद कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं के बीच सियासी घाई पड़ती नजर आ रही है। तकरीबन 1.5 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर बीकानेर के डूंगरगढ़ और चित्तौड़ के मातृकुंडिया के लिए निकले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर रैली के लिए निकले। दोनों के बीच व्याप्त मतभेद को खत्म करने के लिए कांग्रेस पहले से ही कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पहले ही राजस्थान पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही दोनों नेताओं को निर्देश दिए थे कि किसान रैली में दोनों एक साथ जाएं। कृषि कानून के विरोध में सचिन पायलट लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसे देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया कि किसानों के मुद्दे पर अब दोनों नेता एक साथ रैली करेंगे। ऐसे में दोनों का एक बार फिर से एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाना कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। पहले से ही पार्टी के भीतर उठ रही बगावत की आवाजों के बीच कांग्रेस के लिए ये राहत भरी खबर है।